देश प्रेम इंसानियत प्रेम के साथ टोंक के मरकज अल अमीन मदरसे में रहकर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को बढ़ावा दे रही हैं ये छात्राएं। आइए हम देखते हैं आज की इस विजिट को मरकज अल अमीन अल इस्लामी लिंगनाथ बही टोंक। मरकज अलमीन में खैर मकदम किया गया टोंक की सभापति श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन का। लक्ष्मी देवी जैन जब मदरसे पहुंची तो उनका स्वागत सैयद आमिर सिद्दीकी नदवी ने किया और उनके साथ जो टीम मौजूद थी उसका स्वागत कारी अब्दुल हसीब, मौलवी वसीम, सैयद असगर अली इत्यादि ने किया। सभी लोग मदरसे की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और यह कार्यक्रम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में रखा गया था। इस कार्यक्रम की जो भी बातें हैं हम दिखाएंगे आपको सीधे लाइव। अमीन अल इस्लामी लिल बनात की सेक्रेटरी जनाब मोहतरमा तबस्सुम सिद्दीकी साहिबा ने श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन का स्वागत किया और साथ ही साथ नाजमा बेगम जो कि पार्षद हैं पुरानी टोंक की उनका भी स्वागत किया गया और जो मेहमान वहां मौजूद थे उनका खैर मकदम करते हुए मोहतरमा जनाब तबस्सुम सिद्दीकी साहिबा और उनके साथ मौलवी आमिर सिद्दीकी नदवी वहाँ मौजूद हैं। मौलवी आमिर सिद्दीकी नदवी साहब ने बैच लगाकर वक़ार जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनका स्वागत किया और जो पहले पार्षद रह चुके हैं पूर्व पार्षद
बहुत अच्छा एक मैसेज इस नगमे के जरिए बच्चियां हम सबको देकर गई हैं कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनका रेस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें और जो हमारे धर्म ने हमें उनके सिलसिले में शिक्षा दी है उसका हम पालन करें। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चियों की ये रिक्वेस्ट, बच्चियों की ये दरख्वास्त इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी और हम में से हर एक इस बात की कोशिश करेगा कि वो अपने माँ बाप का आदर करें, उनका सम्मान करें। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बच्चों द्वारा जो देशभक्ति के जज्बे से भरे जो प्रस्तुति दी गई उसी से अंदाजा लगा सकती हूँ कि यहाँ बच्चों को किस तरह की तालीम दी जा रही है। देशभक्ति से ओतप्रोत यहाँ जो उन्होंने प्रस्तुति दी इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि बच्चों ने देशभक्ति की भावना की जागृत की जा रही है। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।